हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप हमारी सभी वीडियोस अब अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको सभी वीडियोस। हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 101 मैथ्स हार्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था अभी हार्ड क्वेश्चंस की सीरीज, तो उसको मैंने नाम दिया है 101 मैथ्स हार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थोड़े से टफ लेवल वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर चलेंगे जो एसएससी सीजीएल लेवल पर हैं। अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ तो देखा वहां पर कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिले जो कि एग्जाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन अगर कहूं मैं टफ भी नहीं होते तो उनकी लैंग्वेज कुछ इस तरह की होती है कि वो क्वेश्चन को टफ बना देते हैं। ठीक है, एट द एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन टाइम में क्या होता है कि आपको वो क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और कई बार तो वो क्वेश्चन आपके जहन में नहीं आ पाता कि इसको करना कैसे है। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज मैंने ये स्टार्ट की है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंक पीओ। ठीक है, बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो इस सीरीज से भी जुड़िए, बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज है। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो डिस्कस करूंगा मैं आपसे। तो क्वेश्चन है कि रमेश डिपॉजिट रुपीज 15,600 इन ए फिक्स डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्निंग्स टू द प्रिंसिपल द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इज। यानी कि रमेश ने 15,600 रुपए साधारण ब्याज कि 10% वार्षिक दर पर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। ठीक है, तो ब्याज से जो भी प्राप्त होता है मूलधन में मिला देता है, उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्या करना है ध्यान देंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। यहां पर हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है 15,600, 10% का ब्याज है और टाइम की बात की जाए तो हर दूसरे वर्ष वो इस चीज को करता है। तो उसको 100 से 100 जीरो कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 6 दुनी 12, 15 दुनी 30, 312 धाम और 3120 रुपए हमें यहां पर ये मिल जाने हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेगा कि नेक्स्ट टू ईयर अब यहां पर कहा गया कि नेक्स्ट टू ईयर, अब नेक्स्ट टू ईयर यानी कि 15,600, अब इसमें 3120 रुपए जैसे कि वो जोड़ देता है तो वो जगह 18,720 रुपए है ना। अब क्या करेगा, फोर्थ, चार साल की बात है, हर दूसरे वर्ष ये कंडीशन अप्लाई होती है, फिर इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। आप किस पर निकालेंगे, 18,720 पर, और दर वही रहेगी 10%, समय वही है 2 और 100, तो ये हो जाएगा। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 दुनी 4, 7 दुनी 14, 18 दुनी 36 और 3744 रुपए। यानी कि 4 वर्ष के बाद जो उसे ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 3744 रुपए। क्लियर गाइस, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन आसान था, केवल लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इजिली हो पाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए पर्सन हु पेज इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4 पैसे पर रुपी। ठीक है, फाइंड दैट ए फॉल ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 4% टू 3.75% डिमिनिशेस हिज नेट ईयरली इनकम बाय ₹48, व्हाट इज हिज कैपिटल। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर अदा करता है, अगर आयकर की दर 4% से घटकर 3.75 होने पर वह पाता है कि उसकी नेट वार्षिक आय ₹48 कम हो जाती है तो बताइए उसकी पूंजी कितनी है। ठीक है, तो अब 4% था उसका
आयकर जो 4% की दर से देता था और वो हो गया 3.75%। ठीक है, तो इसमें कितने की कमी हुई, 0.25% की यहां पर कमी हुई। 0.25% की कमी होने से उसकी जो इनकम है ₹48 कम हो गई, यानी कि 0.25% किसके बराबर हो गया, इक्वल हो गया 48 के इक्वल हो गया। ठीक है, 0.25% 48 के इक्वल हो गया तो 100% कितने के बराबर हो गया, तो 48 बटे 0.25 इंटू 100। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, दो जीरो और ऊपर लगा दीजिए, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 4 चौक 16, 192,000 19,200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब उसकी पूंजी बताने की, उसकी कैपिटल कितने थी। अब 4% 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आय इनकम टैक्स देता है, यानी कि 100 पैसे पर 4 पैसे देता है। ठीक है, तो यानी कि 96, यानी कि ये जो है उसकी कैपिटल का 96 है। ठीक है, तो कैपिटल माना हमने, कैपिटल का 96% ऐसे मान लेते हैं, कैपिटल का, क्योंकि 4% यानी कि 4 पैसे, 1 रुपए पर 4 पैसे, तो वो टैक्स के रूप में दे रहा है। तो कैपिटल का 96%, 96/100 बराबर है 19,200, तो 96×192,000, तो कैपिटल यहां पर कितनी बनकर आ जाएगी, 100 की 200 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 रुपये हमें यह आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि ए मैन बाइज ए टीवी प्राइस एट 16,000, ही पेज 4,000 एट वंस एट द रेस्ट आफ्टर 15 मंथ्स, ऑन विच ही इज चार्जेज ए सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, द टोटल अमाउंट ही पेज फॉर द टीवी इज। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति एक टीवी खरीदता है 16,000 रुपये वाला, है ना, 16,000 रुपये की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है और 4,000 रुपये तो तुरंत दे देता है और शेष 15 महीने के बाद देता है, जिस पर उसे 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है उससे। ठीक है, तो वह टीवी को के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है। क्लियर, अब 16,000 रुपये टीवी की कीमत है और 16,000 में से 4,000 उसने तुरंत पे कर दिया, तो बचता कितना है, 12,000। अब हमारा सारा क्वेश्चन किस पे चलेगा, इस 12,000 पर चलेगा, क्योंकि 4,000 वो ऑलरेडी दे चुका है। अब इस पर साधारण ब्याज निकाल लीजिए, 12,000 हमें क्या क्या गिवन है, 12,000 उसका प्रिंसिपल हो गया, 12% की वार्षिक दर हो गई और 15 महीने की किस्त है, 15/12 रखेंगे वर्ष में कन्वर्ट करने के साथ और नीचे रखेंगे 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 12×15 = 180, यानी कि 1,800 रुपये, 1,800 रुपये उसे साधारण ब्याज मिल जाता है। ठीक है, तो 12,000 रुपये बचे जो उसे पे करने हैं, 1,800 रुपये ये ब्याज देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा उसे, 13,800 रुपये पे करना पड़ेगा, 13,800 रुपये। ठीक है, बाद में, और टोटल अमाउंट कितना बैठता है, टोटल अमाउंट कितना बैठता है जो उसे पे करना है भाई, 13,800 ये हो गया और 4,000 वो ऑलरेडी दे चुका है, तो कितना हो गया, 17,800 रुपये, यानी कि उसे 16,000 वाला टीवी इस कंडीशन में 17,800 रुपये का पड़ा। समझ में आ गई बात, तो ये भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा कि क्वेश्चन तो आसान ही मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन होगा क्या कि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा भ्रमित करेगी, बस और कुछ नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर दत्ता डिजायर टू डिपॉजिट हिज रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ ₹3,00,000 पार्शली टू ए पोस्ट ऑफिस एंड पार्शली टू ए बैंक एट 10% एंड 6% इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली, इफ हिज मंथली इंटरेस्ट इनकम वॉज 2,000, देन द डिफरेंस ऑफ हिज डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिस एंड इन द बैंक वॉज। तो कहने का मतलब क्या है कि मिस्टर दत्ता अपने 3,00,000 रुपये के सेवानिवृत्ति लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि उसकी मासिक आय 2,000 रुपये हो तो मासिक ब्याज आए, ठीक है, ब्याज से जो मिलता है, तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में कुल कितना अंतर आएगा। ठीक है, अब 3,00,000 रुपये हैं टोटल, यहां पर बात करें तो
3 लाख रुपए, ठीक। और 3 लाख में 10% डाकघर में, तो इसका 10% निकाल लेंगे, और यहां पर ही 3 लाख रुपए वो हो गए 6% यानी कि बैंक में, तो यहां पर ये निकालेंगे तो ये तो बैठेगा 30,000 रुपये, और यहां पर बैठेगा ये, ठीक है, 18,000 रुपये, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि यहां पर इस कंडीशन में उसे 12 महीने, अब 2,000 रुपये ब्याज मिलता है, ठीक है, मंथली, तो 12 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 24,000, ठीक है। तो एलिगेशन से इसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 30,000 रुपये यहां पर हो गए 10% के हिसाब से, 6% के हिसाब से 18,000, और 12 महीने का 2,000 रुपये के हिसाब से 24,000 उसका यहां रख देते हैं, क्लियर। इसमें से माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो यह आ जाएगा 6,000, यहां पर जो डिफरेंस निकालेंगे 6,000 दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा, 0, यानी कि 0। क्या पूछा है उसने कि डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में कितना अंतर था, ठीक है, then the difference of his deposits in the post office and in the bank was, तो डिफरेंस कहां आ रहा है, 0, क्योंकि ये भी 6,000 ये भी 6,000 डिफरेंस आ गया 0, तो 0 हमारा आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करके चलेंगे, क्लियर गाइस। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मनी लेंडर बोरोज मनी एट 4% पर एनम एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, ही लैंड्स इट एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड रिसीव द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, इन दिस वे ही गेन्स रुपीज 104.50 ए ईयर, द अमाउंट ऑफ मैनी मनी ही बोरोज इज, यानी कि एक साहूकार 4% वार्षिक ब्याज की दर पर धन उधार लेता है, क्लियर, तथा ब्याज को वर्ष के अंत में लौटाता है, वह धनराशि को 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, उधार देता है तथा वर्ष के अंत में ही ब्याज लेता है, इस प्रकार प्रतिवर्ष वह 104.50 रुपए का लाभ प्राप्त करता है, इसके द्वारा उधार ली गई धनराशि कितनी है। तो सबसे पहले कंडीशन अर्धवार्षिक के लिए क्या करते हैं, हम आर को रखते हैं 6/2, यानी कि जो 6% उसका आधा करेंगे, यानी कि 3%, क्लियर, और टाइम को कर देंगे एक वर्ष है तो गुणा 2, तो 2 लेकर चलेंगे, ठीक है। इफेक्टिव रेट यहां पर क्या काम करेगा, इफेक्टिव रेट क्या होगा, देखिए 3 है हमारा, ठीक है, और उसको 2 बार में लगाना है, ठीक है, जैसे कि सक्सेसिव लगाते हैं ना, सक्सेसिव, एक तो डिस्काउंट होता है उसमें कमी के आधार पर लगता है, ये बढ़ोतरी के आधार पर, जैसे हम लगाते हैं ना x+y+xy/100, तो 3-3 के हिसाब से जब इसको रखेंगे तो ये बनेगा, तो बन जाएगा 6 प्लस और ये हो जाएगा 0.09, तो ये बन जाएगा 6.09%, ठीक है, ब्याज कितना लगेगा 6.09%, ठीक है। अब होना क्या है कि 4% वार्षिक ब्याज की तरह से उधार देता है, अब ब्याज यहां पर है 6.09 और 4% ऑलरेडी है, तो कितना डिफरेंस निकल कर आएगा, 2.09 का यहां पर डिफरेंस आपका निकल कर आएगा। अब वो जो डिफरेंस आया 2.09 जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 104.50 रुपए, है ना, 104.50 रुपए के इक्वल है, कौन सा परसेंट, ये 2.09% जो अभी हमारा निकल कर आया, तो उसके आधार पर 100% किसके बराबर होगा, तो 104.50/2.09×100, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, और 9 × 45, 2 × 10, तो 50 बार में ये कट जाएगा, तो 5,000 रुपए हमें यहां पर उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि मिल जाएगी। समझ में आई ये वाली बात, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमारे पास जो रेट है वो 6% के आधार पर उसने कहा है कि जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, लेकिन अर्धवार्षिक है तो यहां पर रखेंगे 3, समय हो गया 2 वर्ष,
ठीक है। अब ये दो वर्ष हुआ तभी तो हमने इसको किया कि तीन एक बार में और तीन ही दूसरी बार में, तो जो इफेक्टिव रेट रहेगा उसका, इफेक्टिव रेट है ना, तो वो रहेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे सौ, क्योंकि दो बार लगेगा, तो तीन प्लस तीन प्लस तीन गुणा तीन बटे सौ, तो ये जो बनकर आया 6.09%, और 4% वो ऑलरेडी बोल रहा है, तो 6.09 माइनस 4 कितना होगा 2.09, और 2.09 किसके बराबर होगा 104.50, जो कि उसने बोला है कि इस प्रकार प्रतिवर्ष वो 104.50 का लाभ प्राप्त करता है, तो ये जो उसे लाभ प्राप्त हुआ परसेंटेज में हो रहा है 2.09, ठीक है, और रुपए में 104.50, तो 100% किसके बराबर हो गया 5000 रुपए के बराबर हो गया। क्लियर गाइस? तो गाइस इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कराए, जो कि आपके आने वाले एसएससी सीजीएल और बैंक पीयू एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें प्रिपेयर करके चले। किसी भी क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कॉमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। और इस सीरीज के साथ जुड़िए, अभी केवल 101 मैथ्स हार्ड क्वेश्चंस की सीरीज का ये केवल दूसरा पार्ट है। क्लियर? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।